पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के मेयर के रूप में चुनाव को चुनौती देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि मतगणना में धांधली हुई है और प्रशासन ने पक्षपात करके भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को जिताया है। कुछ बूथों का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर उतने वोट पड़े ही नहीं जितने की गिन दिए गए। इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनावों में मतदान से लेकर मतगणना तक प्रशासन ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है। पहले लोगों को वोटिंग करने से रोका गया और बाद में मतगणना में धांधली की गई। रिजवान कुरैशी ने कहा कि कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। भैया, मतदान से लेकर के मतगणना तक जो सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र ने हमारे साथ जाती की है, उसको लेकर के न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और चूंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, कानून के पालन करने वाले हैं, और हमने अभी तक मतदान से लेकर मतगणना तक कानून का पूरा पालन किया, उसी लिहाज से न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए आज हम न्यायपालिका की शरण में आए हैं। क्या मांग है आपकी, किन मामलों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपने पिटीशन दिया था? मैंने बताया ना, मतदान से लेकर के मतगणना तक जो धांधली हुई है, वो चाहे पोलिंग ना होना, पोलिंग पर रोक टोक जितनी जिस तरह से कर सकता था प्रशासन, और उसके अलावा मतगणना में जो धांधली हुई है हमारी, उसको लेकर के हम कोर्ट में हाजिर हुए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।